प्यारे बच्चों, मैं विवेक मिश्रा आज आपको क्लास ट्वेल्थ का तीसरा पोयम आर्म विद ब्लाइंडनेस इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। आज हम आपको जॉन मिल्टन की लिखी हुई कविता आर्म विद ब्लाइंडनेस पढ़ाने जा रहा हूं। कक्षा 12 की तीसरी कविता है आर्म विद ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। आर्म विद ब्लाइंडनेस इज कंपोज बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वाज ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ही रोट मेनी पोएम्स, वन ऑफ देम आर्म विद ब्लाइंडनेस। आर्म विद ब्लाइंडनेस इज पर्सनल सोनेट पोएम ऑफ मिल्टन। जॉन मिल्टन लूजेस हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। इन द बिगनिंग ही बिकेम्स बरीज। ही इन द बिगनिंग्स ही कंप्लेन्स टू गॉड, बट हिज पेशेंस प्रिवेंट हिम एंड सेज दैट गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज एवरीथिंग। जॉन मिल्टन की यह कविता अपने अंधेपन पर, इसमें कवि ने अपने भगवान के प्रति गहरी आस्था भी दिखाई है, भगवान से शिकायत भी किया है। इन दिस पोयम द पोएट जॉन मिल्टन सेज दैट, कवि 44 वर्ष की आयु में अंधा हो जाता है और अपने अंधेपन पर उन्होंने ये 14 पंक्ति की कविता सोनेट पोयम लिखा है। आप इसे समझें। द ग्रेट इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन सेज दैट, कवि लिखता है, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूं हाउ माय लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी नेत्र ज्योति बुझ गई, कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, एयर हाफ माई गेज, मेरी आधी उम्र के पहले ही। कवि लिख रहा है कि वेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एयर हाफ माई गेज, कि जब मैं यह सोचता हूं कि मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तो मुझे बड़ा दुख होता है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकार युक्त संसार में मेरी आधी उम्र के पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, जब मैं यह सोचता हूं तो मुझे बड़ा दुख देता है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक काम प्रतिभा, विच इज डेड टू हाइड, जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, जिसको प्रयोग न करना मर जाने के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, वह मुझ में बेकार की पड़ी हुई है। दो ये तब भी माई सॉल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यप मेरी आत्मा कविता लिखकर भगवान की सेवा करने की बड़ी इच्छुक है, जब तक मैं अपनी काव्य प्रतिभा प्रस्तुत करके उस भगवान की सेवा करना चाहता हूं, एंड प्रेजेंट माई थ्रू अकाउंट, और अपना सही का लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हे भगवान, तुमने मुझे जो काव्य प्रतिभा दिया था मैंने उसका प्रयोग किया। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मरकर भगवान के पास जाऊं तो भगवान मुझसे पूछे कि जॉन मिल्टन, मैंने तुम्हें जो काव्य प्रतिभा दिया था तुमने उसका प्रयोग नहीं किया। वह मुझे डांटे फटकारे, इससे बचने के लिए मैं अपना सही का लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करता हूं। जॉन मिल्टन जी लिखते हैं कि जब मैं यह सोचता हूं कि
कि अंधकार युक्त और इस विस्तृत दुनिया में आधी उम्र के पहले ही मैंने अपनी नेत्र ज्योति कैसे खो दी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। और एक वह काव्य प्रतिभा जो भगवान ने मुझे दिया है, जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, वह मुझमें बेकार की पड़ी हुई है। यद्यप मेरी आत्मा कविता लिखकर उस भगवान की सेवा करना चाहती है और मैं अपना सही का लेखा जोखा उस भगवान के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लौटने पर मृत्यु के बाद भगवान मुझे डांटे फटकारे कि मैंने तुमको जो काव्य प्रतिभा दिया था, तुमने उसका उपयोग क्यों नहीं किया। इन द नेक्स्ट लाइन्स द ग्रेट इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन सेज दैट एंड कंप्लेन्स टू गॉड। अगले पंक्तियों में अंग्रेजी के महान कवि जॉन मिल्टन जी मूर्खता बस भगवान से शिकायत करते हैं। इन द बिगिनिंग्स द पोएट कंप्लेन्स टू गॉड, डथ गॉड रिजेक्ट दे लेबर्स लाइफ डिनाइड। कवि जॉन मिल्टन जी भगवान से शिकायत करते हैं कि क्या भगवान उस व्यक्ति से भी दिन भर काम की आशा करता है जिसकी आंखों की रोशनी उसने छीन ली। क्या उस व्यक्ति से भी भगवान काम की आशा करता है जिसे उसने अंधा बना दिया। आई फाइनली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं। कभी अपने आप से मूर्खता पूर्वक पूछता है, दट गॉड रिजेक्ट दे लेबर लाइफ डिनाइड। आई फाइनली आस्क, कभी मूर्खता पूर्वक अपने आप से पूछता है कि क्या भगवान उस व्यक्ति से भी दिन भर काम की आशा करता है जिसे उसने अंधा बना दिया। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइड, लेकिन कवि की अंतरात्मा, पेशेंस मीन्स कॉन्शियस, मन की आवाज, कवि के मन की आवाज उसे रोकती है। कवि की अंतरात्मा इस बड़बड़ाहट को रोकती है और शीघ्र ही जवाब देती है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क ऑर हिज ओन गिफ्ट्स, कि भगवान को किसी भी आदमी के काम की जरूरत नहीं है, आर ओन हिज गिफ्ट, और न ही वह अपने किसी उपहार के बदले आपसे कुछ चाहता है। भगवान को न तो किसी आदमी के काम की जरूरत है और न तो वह अपने उपहार के बदले, उसने जो इतनी सुंदर शरीर दिया, इतने सुंदर माता पिता दिए, इतनी सुंदर दुनिया दी, इतने सुंदर लोग दिए, यानी भगवान की दी हुई हर चीज के बदले में वह आपसे कुछ नहीं चाहता। हु बेस्ट बियर हिज माई डोक्स, ईश्वर की सच्ची सेवा वही लोग करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से बिना गालियां दिए, बिना शिकायत के सह जाते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो दुखों में भी भगवान को नहीं कोसते, वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हिज कॉन्शियस रिप्लाइज, कवि की अंतरात्मा जवाब देती है, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा राजा जैसी है, थाउजेंड्स ऑफ हिज एट बीडिंग स्पीड्स एंड पोस्ट ओवर लैंड्स एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट, कि उस भगवान के लिए इस पृथ्वी पर आकाश में पाताल में महासागर में हजारों देवदूत उस भगवान के आदेश का पालन करने के लिए आतुर हैं कि भगवान मुझे आदेश दे और मैं भगवान के लिए कुछ कर सकूं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो लोग भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो अपने आप को भगवान की इच्छा पे छोड़ देते हैं और परिणाम का इंतजार करते हैं। कहने का अर्थ,
The full submission to the desires of God is the real devotion. That's all.